हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार राणा, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देन आफ्टर दैट हमने देखा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने देखा कि किस तरीके से दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बाद हमने लास्टली देखा था दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इन टूडेज लेक्चर दैट आई विल एक्सप्लेन यू ग्रेविटी एंड यूनिवर्स, मीन्स जो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, और जो ग्रेविटी है उसका क्या इन्फ्लुएंस, मीन्स क्या यूजेस है, उसके हेल्प से हमारे यूनिवर्स में क्या क्या हो रहे हैं, दैट फेनोमेना, डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर। क्लियर है ना। तो देखो, अगर सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, एक मैंने पत्थर को, एक स्टोन को मैंने एक रस्सी से बांध रखा, और उस रस्सी से बांधने के बाद उसको मैंने इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करा। तो घुमाना स्टार्ट करा मतलब वो स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा कुछ इस तरीके का, है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स होगा जो रस्सी के पास लग रहा होगा, वो सेंटर की तरफ उसे खींच रहा होगा, जिसके वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने एक एग्जांपल दिया, मींस दैट वी कॉल टेंशन, लेटर ऑन आप पढ़ोगे, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है टेंशन, को ही बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बाद में आप पढ़ोगे, क्लियर है। बट एक फोर्स है जो कि इस स्टोन को क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है। तो सेम एज अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? मून रिवॉल्व करता है। तो मून रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई फोर्स लग रहे होंगे, तभी वो रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन इज बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से ही क्या है, मून का रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, अब अर्थ की मैं बात करता हूं, अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। मून रिवॉल्व कर रहा अर्थ के अराउंड, एंड देन आफ्टर दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, इन अ ऑर्बिट, ठीक है, किसी ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में क्या कर रहा, फिक्स ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रहा सन के अराउंड, विच इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी, क्लियर है ना। देर आर बिलियंस ऑफ स्टार, मीन्स अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं, ठीक है ना, तो दैट इज 100,000,000 स्टार, ठीक है ना, सन, ये इनके बीच में भी कुछ फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है, जिसके वजह से वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, जिसके वजह से वो पर्टिकुलर पोजीशन पे है बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी। यूनिवर्स में आपने देखा कि किस तरीके से ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस है, क्लियर है ना। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, दैट ग्रेविटी होल्ड द सन एंड अदर स्टार्स, है ना, इन ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है ना। ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सारे स्टार्स, है ना, सन, ये क्या किए हैं, पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड किए हुए हैं, और ये ग्रेविटी की वजह से हैं। और मैंने इसका और भी एग्जांपल दिया, क्या दिया, दैट मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड द सन अराउंड द सन अर्थ इज रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्लियर है ना। तो ये हमारे यूनिवर्स में किस तरीके से रोल है इस ग्रेविटी का, ठीक है ना। लेटर ऑन आप और भी डिटेल में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना, क्या होते हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिवर्स, क्लियर है ना, किस तरीके से हमारा ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, वो किस तरीके से उसकी रोल है यूनिवर्स में। देन आफ्टर दैट देयर इज अ न्यू टॉपिक दैट वी कॉल टाइम, ठीक है, टाइम नया टॉपिक है, टाइम। तो देखो, आवर एंसिस्टर, ठीक है, हमारे पूर्वज,
उन्होंने देखा कि नेचर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, हमारे एंसिस्टर, हमारे पूर्वज ने देखा नेचर में बहुत सारी ऐसी फेनोमेना, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। तो उनके बेसिस पे उन्होंने क्या करा, कुछ डिसाइड करा। फॉर एग्जांपल डे, ठीक है ना, दिन, एक दिन कैसे डिसाइड होते हैं, जब सनराइज होती है और अगले दिन जो सनराइज होते हैं उसके बेसिस पे डे डिसाइडेड, दैट वी कॉल 24 आवर्स ना, 24 घंटे उसे बोले जाते हैं, है ना। तो वो वन डे हो गया। देन आफ्टर दैट वन मंथ कैसे डिसाइड है, मून के अकॉर्डिंग, मून की शेप आपने देखा होगा कि न्यू मून बनते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे 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 वो अमावस्या आता है, मतलब कंप्लीट मून वैनिश हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट फिर धीरे धीरे मून की शेप होती है, फिर एक न्यू मून बनता। तो न्यू मून से लेकर के न्यू मून तक के जो टाइम है, ठीक है, दैट वी कॉल्ड मंथ। एंड आफ्टर दैट ईयर कैसे डिसाइड है, एक साल कब होते हैं, वन ईयर कब होते हैं, व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट वी कॉल्ड वन ईयर। क्लियर है ना। तो ये हमारे इवेंट्स, ठीक है ना, नेचर में कुछ इवेंट्स है जो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिसाइडेड दैट टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, डे के लिए क्या बोला, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड वन डे, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट मंथ मैंने बोला, मंथ क्या बोला, जो मैंने बातें बोली उस, जो मैंने बातें बोला उस बात को बस मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। मंथ के लिए बोला क्या, मंथ इज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट, ठीक है ना। एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक की जो ड्यूरेशन होते हैं, दैट वी कॉल्ड मंथ। एंड देन आफ्टर दैट मैंने बोला था ईयर, ठीक है। ईयर को कैसे डिफाइन किया जाता, द टाइम टेकन बाय द ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, इज कॉल्ड ईयर। एक साल उसे ही बोलते हैं, जो अर्थ ने रिवॉल्व होने में, ठीक है ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सन के अराउंड लगाने में जो टाइम लगा है, दैट वी कॉल्ड ईयर। मंथ को मैंने कैसे बताया, दैट इज एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक के जो ड्यूरेशन होंगे, दैट वी कॉल्ड मंथ। और डे 24 घंटे, वो कैसे डिसाइड होते हैं, दैट सनराइज, सुबह सनराइज में, देन आफ्टर दैट न्यू सनराइज के बीच का जो ड्यूरेशन होगा, दैट वी कॉल्ड अ डे। क्लियर है ना। तो दिस इज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट डे मंथ एंड ईयर। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, दैट सिंपल पेंडुलम, ठीक है, आपने नाम सुन रखा होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में। क्लियर है ना। आई होप मैंने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में एक्सप्लेन भी करा सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम के बारे में क्या मैंने एक्सप्लेन करा, सिंपल पेंडुलम, देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक रॉड होते, रॉड बोल सकते हो या स्ट्रिंग बोल सकते हो, इसके नीचे मास लगे होते हैं और ये फिक्स सपोर्ट से इस तरीके से हंग होता है, लटके हुए होते हैं। और अभी जो लटका हुआ, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन, है ना। जैसे मैंने इसको डिस्टर्ब करा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां पे आएगा, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड
एक्सट्रीम पोजीशन एंड फाइनली वापस फिर अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर ये साइड आएगा अपोजिट साइड, दिस साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो मैंने करा क्या, इस मास को, इस बॉब को डिस्प्लेस करा, डिस्प्लेस करा तो ये ऐसे गया, फिर वापस ये इस डायरेक्शन में आया, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर ये कंप्लीट इस तरीके से साइकिल होता रहेगा, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, क्लियर है ना। और व्हेन पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को क्या करे, रिपीट करे, देन दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये आपने पढ़ रखा, तो देखो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा, तो वो जो टाइम में ये रिपीट कर रहा दैट इज वी कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इसकी ऑसिलेशन की वो क्या होगी, टाइम पीरियड होगी। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं इसके लिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए इसके लिए क्या लिख सकता हूं, टाइम पीरियड क्या लिख सकता हूं, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगाएगा दैट वी कॉल्ड टाइम पीरियड। मेरी बात समझ गया ना, मीन पोजीशन में था स्टार्टिंग में, मैंने डिस्प्लेस करा एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस अपने इस नेक्स्ट अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर मीन पोजीशन पे आया, ये कंप्लीट हमेशा इस बार इस तरीके से होते रहेगा। तो ये जो वन साइकिल इसने कंप्लीट किया है दैट वी कॉल्ड टाइम पीरियड, जितना उसने टाइम लगाया, क्लियर है ना। नाउ देखो टाइम को आप मेजर करते हो उसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है ना। ऑल्दो टाइम इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो टाइम की एसआई यूनिट होती है एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज, और एसआई यूनिट ऑफ टाइम वो क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम है ना, वो क्या होता है सेकेंड, जिसे एस से लिखा जाता, क्लियर है। बट जनरली सेकेंड बहुत ही छोटा यूनिट है टाइम के, तो आप कभी मेजर करते हो मिनट में मेजर करते हो, कभी मेजर करते हो घंटे आर में मेजर करते हो, ठीक है ना। तो वी मेजर टाइम इन मिनट्स, दैट इज एम आई एन लिखते हैं, एंड आर आर ऑल्सो, क्लियर है। एंड वी नो कि वन आर इज इक्वल टू, कन्वर्जन जानते हो ना, वन आर इज इक्वल टू 60 मिनट, और वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, क्लियर है ना। तो ये अपना कन्वर्जन फैक्टर है, क्लियर है। है ना, तो हमने ग्रेविटी और यूनिवर्स के बारे में देखा, देन आफ्टर दैट टाइम के बारे में देखा कि टाइम क्या होता है, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को भी मैंने डिफाइन करा। देन आफ्टर दैट हमने देखा एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की सेकेंड होते हैं, और सेकेंड बहुत ही स्मॉलर यूनिट है टाइम के, तो कभी कभी हमें लार्जर यूनिट को भी यूज करने पड़ते हैं, दैट लार्जर यूनिट इज मिनट है ना, आर, ठीक है ना। और इनके बीच का जो रिलेशन है, वन आर इज इक्वल टू 60 मिनट और वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दिस इज द फैक्टर, कन्वर्जिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।